स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खास पेशकश आवाज की एमपीसी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बाजार के अनुमान से ज्यादा कटौती कर दी है। दूसरी तरफ कई सारे दूसरे सेंट्रल बैंक्स भी एक्शन में आए हैं। चीन भी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज का ऐलान कर चुका है, लेकिन दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में जो है वो तनाव बढ़ने लगा है और उसी का असर दिखने लगा है कच्चे तेल पर। इस बीच आरबीआई की एमपीसी की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू हो चुकी है, जिसके मद्देनजर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पिछली बार आरबीआई ने फरवरी 2023 में दरें बदली थी, उसके बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो क्या ये सिलसिला इस बारी टूटने वाला है? क्या आरबीआई अपने रुख में भी बदलाव करेगा? क्या महंगाई के लक्ष्य में बदलाव होगा? और FY25 के लिए जो जीडीपी का अनुमान 7.2% रखा है, उसमें कुछ चेंज आएगा या नहीं? इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ आवाज की एमपीसी जुड़ गई है। इकरा के चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, क्रिस्टल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी और डीएसपी फाइनेंस वीसी और सीईओ जयेश मेहता, आप सभी का स्वागत है। ऑफ कोर्स पिछली पॉलिसी से इस पॉलिसी में काफी कुछ बदलाव हुए हैं और खास तौर से जो बदलाव है, ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये हम ग्लोबल फ्रंट से ही देख रहे हैं। तो जोशी साहब, मैं आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे बड़ा मुद्दा तो ऑफकोर्स वो फेडरल रिजर्व का 50 बेसिस का रेट कट है और उसके बाद जो चाइना का स्टिमुलस आया, इसके बाद हमारी ये अक्टूबर की पॉलिसी, क्या दबाव ज्यादा बढ़ गया आरबीआई पर रेट्स घटाने का? देखिए, जहां तक आरबीआई का सवाल है, वो डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। जो यूएस फेड ने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है, उससे थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं एक तरह से। जो मेजर प्रॉब्लम आरबीआई के लिए रही है वो है फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन में थोड़ा पिछली पॉलिसी से लेकर अभी तक फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है, पर वो स्टेटिस्टिकली नीचे आई है बेस इफेक्ट के कारण। अभी भी जो है वेजिटेबल्स कैटेगरी में, जो कि काफी प्रॉब्लमेटिक रही है पिछले 1.5 साल में, उसमें अभी भी इन्फ्लेशन ऊपर बनी हुई है। पर हमारा ओवरऑल मानना यह है, क्योंकि मॉनसून पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा है, तो उसका असर दिखाई देगा खासकर फूड रेंज में। और साथ साथ जैसा आपने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ गई है, पर उसके बावजूद भी जो ऑयल के प्राइसेज हैं अभी भी पिछले साल के मुकाबले नीचे बने हुए हैं और इसी तरह से बने रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में भी थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रही है। चाइना की आपने बात की, उसके अलावा यूएस इकोनॉमी भी थोड़ा सा स्लो डाउन यूएस में भी एक्सपेक्टेड है। यूरोप यूरोजोन काफी कमजोर है, तो एक तरह से जो दोहरा दो तरफ से प्रेशर पड़ेगा, एक उसको कमोडिटीज ऑयल को नीचे की तरफ खींचेगा, वो आपकी वीकनेस ऑफ ग्लोबल डिमांड है। दूसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसके कारण थोड़ा अपवर्ड प्रेशर आएगा। तो इन दोनों के बीच में आपको तेल के प्राइसेस झूलते हुए नजर आएंगे अगले कुछ महीनों में। तो आई थिंक मैं मोटे तौर पे यह कहूंगा कि क्योंकि फूड इन्फ्लेशन में ओवरऑल नमी देखने की उम्मीद है अगले कुछ महीनों में, और साथ साथ फ्यूल इन्फ्लेशन जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो हम पिछले साल के मुकाबले इस साल कम ही देख रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि फेड ने भी रेट काटा, इन सबको कुल मिला जुला के एक तरह से कंडीशन जो है वो रेट कट के लिए फेवरेबल हो जाती है। एक चीज जो इंडिया में काफी रेट कट होने से, मतलब एक तरह से डिस्करेज कर रहा था रेट कट को, वो है कि ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है, और जब तक ग्रोथ स्ट्रांग रहती है तो फिर आरबीआई के पास आई थिंक इन्फ्लेशन पे ही फोकस रहता है। ग्रोथ में भी अब थोड़ा सा धीमापन दिखाई दे रहा है, तो कुल मिला के एक तरह से कंडीशन बन रही है रेट कट के लिए, बट अक्टूबर के महीने में वो सिर्फ सिग्नल करेंगे न्यूट्रल स्टांस के द्वारा, और उसके बाद हमारा मानना यह है कि दिसंबर में रेट कट भी हो सकता है, और इस दौरान सीआरआर वगैरह भी बदलाव, उसमें भी बदलाव देखा जा सकता है। तो मैं इनफैक्ट उस लिक्विडिटी वाले पुश पर आऊंगी, लेकिन जो आपने ग्रोथ की बात की अदिति, ये कोर सेक्टर का डेटा मैं एनालाइज कर रही थी। 8 कोर सेक्टर में आउटपुट में हल्का सा ही गिरावट 2% की सितंबर के महीने में देखने को मिली थी। वो क्या सिग्नल्स आपको नजर आ रहे हैं कि ग्रोथ को अगर सपोर्ट करना है आरबीआई को हरकत में आना होगा?
वो कहां पर पिवट आरबीआई कर सकता है कि इन्फ्लेशन के बजाय अब ग्रोथ को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है? क्या उनके सामने वो डेटा आ चुका है या हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उसे? वंदना जी, एक बार अगर हम कोर सेक्टर की देखें तो जो अगस्त का डेटा आया है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है वो बहुत ही इन्फ्लुएंस है हैवी रेनफॉल की वजह से। तो जो भी रेनफॉल रिलेटेड सेक्टर्स हैं, मतलब जहां पे बारिश का बहुत इम्पैक्ट होता है, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ ऐसी चीजें जैसे कि रेल फ्रेट, वहां पे हमने एक बहुत ही वीक परफॉर्मेंस अगस्त के महीने में देखी है। लेकिन ये ट्रांजिएंट बात है। जो हमारा वाइडर सेट ऑफ इंडिकेटर्स है जिसे हम इकरा बिजनेस एक्टिविटी मॉनिटर कहते हैं, उसमें हम 16 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स हैं उनको एग्रीगेट करते हैं। तो वहां अगर हम जुलाई अगस्त की बात करें तो 7.5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ कभी भी है। कोर सेक्टर में ग्रोथ हार्डली 1-2% की है सेम पीरियड में। सो जो नॉन कोर पार्ट है इकोनॉमी का उसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली तेज मॉनसून बारिश की वजह से कोर सेक्टर में एकदम से इतनी वीकनेस आई है। तो ये मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बेलवेदर कि बाकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से जीडीपी की अगर बात करें तो जो Q2 का जीडीपी ग्रोथ आएगा अगले महीने के एंड पर, वो हमें उसी 6.5% के आसपास का ग्रोथ फिगर मिलेगा। तो Q1 से बहुत कोई फर्क नहीं होगा। सेकेंड हाफ में कुछ फैक्टर्स हैं जो टेलविंड्स हैं जिसकी वजह से हम एक अच्छा इम्प्रूवमेंट ग्रोथ में ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कैपेक्स ग्रोथ और जो खरीफ हार्वेस्ट है उसके बाद रूरल डिमांड भी थोड़ी पिकअप होनी चाहिए। एंड बाकी जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं वहां पर तो देखिए बहुत अनसर्टेनिटी चल रही है, फाइनली कहाँ पे चीजें जाके सेटल होती है वो तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो हमारी बेसलाइन है वो ये है कि इन दो डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से सेकेंड हाफ में ग्रोथ ऑलरेडी थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, जो Q1 का जीडीपी था वो ग्रोथ एमपीसी के फोरकास्ट से नीचे आई है, और जो Q2 का सीपीआई इन्फ्लेशन का हमें अनुमान लग रहा है वो भी एमपीसी के अनुमान से कम ही निकल के आएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ी स्पेस अभी है कि स्टांस को इस बार बदल के न्यूट्रल कर दिया जाए, और फिर अगर सब ठीक ठाक लगता है, स्पेशली हार्वेस्ट के बाद जो फूड इन्फ्लेशन के रिस्क हैं अगर वो थोड़े कम हो जाते हैं तो मेरे हिसाब से दिसंबर में रेट कट आ सकता है। तो दिसंबर रेट कट की तरफ इनफैक्ट ज्यादा स्टांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जयश्री, आपको भी लग रहा है कि कुछ समय और अगर हम 19 महीनों तक रुके हैं, 2-3 महीने और रुक जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि फेड ने अर्जेंसी दिखाई है अलग कारणों की वजह से और चाइना को भी स्टिमुलस की जरूरत थी अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। अब तक हमने देखा एक मॉनेटरी स्टिमुलस आया है चाइना की तरफ से, आगे चलकर अगर एक फिस्कल स्टिमुलस आता है तो क्या उसको लेकर भी आरबीआई बीच में एक्ट कर सकता है? पहले तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट हम चारों को कि हम लोग, हमारे जो चौथे पार्टनर आते थे हमेशा ये कमेटी में, वो अभी फिलहाल रियल एमपीसी में बैठे हैं सुब्रत जी। सो दैट्स ही बीन अ लॉन्ग पार्टनर फॉर ऑल फोर ऑफ अस ऑन अ रेगुलर प्री पॉलिसी मीट एट सीएमबीसी आवाज। सो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। मेरा एक्चुअली मानना है जैसे जोशी जी ने कहा कि लोकल फैक्टर्स, तो लोकल फैक्टर्स अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन भी इनके लास्ट प्रोजेक्शन से नीचे वी आर एक्सपेक्टिंग, ग्रोथ भी उनसे नीचे है। तो मेरे हिसाब से बट वो करेंगे नहीं, वो बात अलग है। मेरे हिसाब से दे कैन टेक अ चांस टू कट इट इन अक्टूबर, बट इफेक्टिवली जो हिसाब से माहौल बन रहा है, जो गवर्नर का स्पीच था इन बिटवीन, तो बेसिकली स्टांस चेंज करेंगे। एंड प्री पॉलिसी तो कुछ आई डोंट थिंक वी नीड टू डू एनीथिंग इन इमरजेंसी बिफोर द पॉलिसी वी नीड टू कट और एनीथिंग, फिर वो दिसंबर में रेट कट करेंगे तो वो सिक्वेंशियली जाएंगे, तो दैट विल बी डेफिनेटली देयर। बट एज अभी आपने जब भी पूछा रही थी जो बेसिकली ग्रोथ स्लो डाउन, वो प्रिंट नंबर जो है सितंबर का वो बाद में आएगा, बट जो एनेक्डोटल डेटा है या इकरा के पास जो डेटा है, जनरल डेटा है, तो लगता है कि एक क्वार्टर भी ग्रोथ आएगा उनके एमपीसी के फोरकास्ट के नीचे ही। तो जब भी उनका
अभी ये टाइम हम लोग ग्रोथ का चेंज करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू लुक एट वेदर यू चेंज योर ग्रोथ फोरकास्ट. आई वुड मोर बी फोकस्ड ऑन दैट बिकॉज मेरा तो एक्चुअली यही मानना है कि भाई 2% रियल रेट इज टू हाई अ रियल रेट टू कीप एंड स्पेशली इफ योर ग्रोथ इज वीकनिंग. दो एमपीसी मेंबर ने पहले भी बताया हुआ है तो बट अभी नए फर्स्ट नए सारे मेंबर हैं, एक्सटर्नल मेंबर सारे नए हैं, तो मे बी दे विल डू सम यू नो न्यूट्रल स्टांस एंड देन मे बी दिसंबर वुड बी वेयर वी लुक एट कट. क्योंकि हमारे ही एक एमपीसी का रिप्रेजेंटेटिव अब उस आरबीआई के एमपीसी में जुड़ गया है, क्या हम कुछ जोशी जी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो तीन नए मेंबर्स आए हैं भट्टाचार्य साहब, नागेश कुमार, प्रोफेसर राम सिंह, उनकी तरफ से स्टांस क्या रह सकता है? क्या आप कुछ प्रियम करना चाहेंगे हमारे पुराने मित्र, या फिर हमारे मित्र क्या किस तरफ बैठ सकते हैं? देखिए ये तो कहना मुश्किल है, जो दो दूसरे मेंबर्स हैं उनके बारे में तो मालूम नहीं है क्योंकि उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी पे उनकी राइटिंग मैंने देखी नहीं है. हाँ, हमारे जो पुराने एमपीसी के मेंबर्स थे वो उन्होंने मेरा ख्याल अगस्त में आर्टिकल लिखा था कि अब रेट काटने की आवश्यकता हो रही है, तो उसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो फिर मुझे यही लगता है कि वो शायद ईजिंग ऑफ पॉलिसी की तरफ झुकाव रखेंगे. ईजिंग ऑफ पॉलिसी की तरफ झुकाव आ सकता है और ये स्वागता भट्टाचार्य साहब की बात हो रही है. लेकिन सवाल अब आप सबने कह दिया है कि देखिए अगर रेट कट होगा वो दिसंबर में ही होगा अदिति, लेकिन कितने रेट कट की गुंजाइश है? क्योंकि फेडरल रिजर्व की तरफ से भी जब रेट कट आना था तब एक सुर में सब लोग कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट होगा, वहां पर तो 50 आ गया. हमारे लिए क्या इस तरह का सरप्राइज आएगा या फिर आरबीआई भी बहुत धीरे धीरे कदम उठाएगा ये रेट कट की तरफ, क्योंकि हमारे रेट्स उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितना शायद अमेरिका में बढ़ते देखे गए थे? देखिए अभी भी बेसलाइन एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का इस साल 7% होगा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रेट कट्स सामने आएंगे. हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट्स वारंटेड है ग्रोथ इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को देखते हुए, तो हम एक शालो रेट कट साइकिल ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. नोवेयर नियर द काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सपेक्टेड फॉर फ्रॉम द यूएस फेडरल रिजर्व. तो जयेश जी आप भी मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट ही सही वो दिसंबर में होगा, उससे ज्यादा नहीं? 25 ही दिसंबर में होगा, मे बी वन मोर कट लेटर ऑन. स्वॉप मार्केट इज प्राइसिंग मच मोर देन दैट, बट मेरे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट एंड 6% टर्मिनल रेट मे बी इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इज व्हाट वी विल लुक एट. जोशी जी आप भी 25 बेसिस पॉइंट की तरफ ही बैठे हैं? हाँ, 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में और उसके बाद एक और 25 बेसिस पॉइंट, तो हमारी अभी जो पब्लिश फोरकास्ट है वो 50 बेसिस पॉइंट की है इस फिस्कल ईयर में. लेकिन ये 25 बेसिस पॉइंट और आगे चलकर एक और 25 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट आ जाता है, इसके इम्प्लीकेशंस ऑन ग्राउंड क्या उभर कर आएंगे? क्योंकि एक चीज है, हम सब जानते हैं कि आरबीआई थोड़ा सा डिमांड को फ्यूल करना चाह रहा था, डिमांड अभी भी इतनी नॉर्मल नहीं है, और मैं जो डाबर का डेटा पॉइंट आया और जो मैरिको का डेटा पॉइंट आया है इनके Q2 अपडेट में, उसमें एविडेंट है कि कुछ पॉकेट्स में डिमांड बढ़ रही है, लेकिन फिर वो कुछ एरियाज में बाढ़, कुछ एरिया में भारी बरसात से इम्पैक्ट देखने को मिला. रूरल इकोनॉमी की स्थिति इन टर्म्स ऑफ डिमांड अदिति आपने कैसी पड़ी है, और ये जो रेट कट आएगा ये कितना फ्यूल कर सकता है उसे? देखिए मेरा मानना ये है कि अब जो मॉनसून अच्छी सरप्लस में हुई है काफी लोकेशंस में, और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोस्ट क्रॉप्स का खरीफ हार्वेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो जब तक कैश फ्लोज आएंगे रूरल इकोनॉमी में तब तक फेस्टिव सीजन भी आ ही जाएगा. तो आशा तो हमारी यही है कि इस बार थोड़ी पेंट अप डिमांड देखने को मिलेगी रूरल इकोनॉमी की साइड से, तो ये एक अच्छा फेस्टिव सीजन होना चाहिए. और उसके आगे थोड़ा इंश्योरेंस अब ये आ गई है कि जो रिजर्वर लेवल्स हैं सारे रीजन में अदर देन द नॉर्थ काफी अच्छे से भर गए हैं, तो टाइमली रबी सोइंग के लिए और अगले खरीफ सोइंग के लिए भी कम से कम ये इंश्योरेंस है कि रिजर्वर अच्छे से भर चुके हैं, और बहुत ज्यादा अब इतनी डिपेंडेंस नहीं है कि जो पोस्ट मानसून रेनफॉल है वो और अगली मानसून जो है वो टाइम से शुरू हो.
चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जो बड़े टॉकिंग पॉइंट्स रहेंगे वो प्राइमरली जीडीपी फोरकास्ट, आरबीआई क्या उसमें कुछ बदलाव करना चाहेगी, और खासतौर से जो कच्चे तेल में उबाल आया है उसका इन्फ्लेशन के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या कुछ बदलाव की गुंजाइश। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आवाज की ये खास, एनपीसी और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में या फिर मॉनिटरी पॉलिसी में क्या उभर कर आएगा। रेट्स को लेकर बयान साफ है कि देखिए अब नहीं, लेकिन दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट चेंज हो सकता है, स्टांस में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, अब की बारी। लेकिन क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन और जीडीपी फोरकास्ट में कुछ बदलाव कर सकता है? कुछ लोग इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद रिवाइज किया जा सकता है ये फोरकास्ट, खासतौर से इन्फ्लेशन का 4.5 से 4.4% के आसपास। ये मैं नोमरा की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। जोशी जी, कितने चांसेस हैं कि ये इन्फ्लेशन डाउनवर्ड रिवाइज होगा, जहां पर आपका कच्चे तेल में दोबारा उबाल आ गया है और आज $79 के करीब ब्रेंट फिर भागने लगा है? देखिए, हमारा हमारी जो फोरकास्ट थी वो भी 4.4.5 थी इन्फ्लेशन की, और वो 80 और 85 के बीच में एवरेज क्रूड प्राइस अजम्पशन थी। तो उस हमारे हिसाब से तो कोई ज्यादा चेंज आएगा नहीं, और फिर भी अगर आता भी है 4.5 से 4.4 जैसे आप कह रहे हैं, ये हार्डली एनी चेंज है, इट्स नॉट ए मटेरियल चेंज। आई थिंक इसमें आवश्यक जरूरी चीज आरबीआई ये देखना चाहेगा कि आगे की तरफ बढ़ते हुए इन्फ्लेशन कहाँ जा रही है। अगर वो 4% की तरफ जा रही है या 4% से अलाइंड है, तो आई थिंक वो फिर एक रेट काटने के लिए वो मौका बनाता है, और आई थिंक वही आरबीआई की का फोकस भी है कि जो फ्यूचर इन्फ्लेशन है वो 4% से अलाइन हो जाए, पर मौका मिलता है आरबीआई को रिकैलिब्रेट करने का। लेकिन ग्रोथ को लेकर जो मसला है जयेश जी, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग इंडिकेट कर रहे हैं जो हल्का सा धीमापन देखने को मिला, बहुत मामूली सा ही सही, ये 7% के आसपास क्या ग्रोथ को दोबारा से देखा जा सकता है, या फिर आउटलुक जो है 7.2 का वो जस का तस रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो आउटलुक चेंज करेंगे, मे बी ये पॉलिसी में नहीं तो अगली पॉलिसी में, तो दिसंबर वाली पॉलिसी में आउटलुक चेंज करेंगे जीडीपी का, बिकॉज मैथमेटिकली आपके दो क्वार्टर के नंबर आ जाएंगे, एंड फिर सितंबर से मार्च बहुत ही ज्यादा ही बुलिश आउटलुक करना पड़ेगा, तो इट डजंट लुक लाइक, तो वो हिसाब से अक्टूबर टू मार्च, तो वो हिसाब से आउटलुक चेंज तो करेंगे, अभी ये पॉलिसी में करेंगे या दिसंबर वाली पॉलिसी में, आउटलुक चेंज की जरूरत शायद दिख रही है अदिति, लेकिन वो किस तरफ बैठता हुआ दिखाई देगा, आपका गणित क्या कह रहा है? ठीक है, मेरे हिसाब से अगर हम Q1 का डेटा देखें तो डेफिनेटली अंडरशूटिंग तो थी एमपीसी के एस्टिमेट के मुकाबले, तो आई वुड थिंक कि अभी भी जो एमपीसी का फोरकास्ट है उसको थोड़ा घटाकर 7% पे लाया जा सकता है। ऑल्टरनेटिवली दिसंबर पॉलिसी के पहले हमारे पास Q2 का भी डेटा आ जाएगा, तो हो सकता है कि एमपीसी मेंबर ये प्रेफर करेंगे कि एक बार पूरे इस बार का डेटा सामने आ जाए, उसके बाद ही वो अपना फोरकास्ट चेंज करें, बट मैथमेटिकली तो डेफिनेटली अब इतना अनलाइकली ही लग रहा है कि 7.2% ग्रोथ पहुंच पाएगी, जिस तरह से हमने Q2 में स्पेशली रेनफॉल रिलेटेड डिस्ट्रप्शन काफी देखी है, और प्राइवेट कैपेक्स भी थोड़ा बैकएंडेड ही पिकअप होगा। मुझे नहीं लगता कि 7.2% अब लाइकली फिगर लग रहा है, तो चाहे वो अभी करें या फिर Q2 का डेटा देखकर दिसंबर की पॉलिसी में करें, बट डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होगी जब रिविजन आएगा। अब जोशी साहब, जो हमने शुरुआत में चर्चा की थी, आपने कहा था कि शायद एक CRR पर भी एक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, इस समय लिक्विडिटी की सिचुएशन है कैसी? क्योंकि बैंकों ने हाल फिलहाल में डिपॉजिट रेस करने की कोशिश की है, आई एम श्योर आपको एटलीस्ट मुझे तो कई सारे मेल आए हैं कि देखिए आगे रेट कटने वाले हैं तो आप लोग अभी लॉक इन कर लीजिए 7.5%, इनफैक्ट NBFCs तो 8.65% कुछ सीनियर सिटीजंस को भी ऑफर कर रही हैं। तो ये डिमांड वर्सेस क्रेडिट ग्रोथ का में जो फासला है वो कितना नैरो होता दिखाई दिया है पिछले एक क्वार्टर में? नहीं, नैरो तो हुआ है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गई है, पर मेरा मानना यह है कि क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग की तरफ, तो उसमें लिक्विडिटी जो है वो सफिशिएंट रहेगी और डेफिसिट में तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगी।
तो कंसिस्टेंट विद द ईजिंग स्टांस ये है कि लिक्विडिटी को आप मतलब कंफर्टेबल रेंज में ही रखें। जयेश जी, इसके मायने क्या रहेंगे? क्या हम ज्यादा देखते हैं वो क्रेडिट ऑफ टेक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? आर यू एक्सपेक्टिंग इट दिसंबर क्वार्टर ऑनवर्ड? फिलहाल अभी तो जो हमारे लोगों से बात हो रही है उसमें ज्यादा दिख नहीं रहा है कि दिसंबर में भी लास्ट क्वार्टर में भी क्रेडिट ऑफ टेक, ऑफकोर्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग साइड आपका रिटेल क्रेडिट ऑफ टेक बिकॉज फेस्टिव सीजन है वो सब रहेगा, बट मेन जो मैन्युफैक्चरिंग साइड कैपेक्स साइड वो तो अभी ये क्वार्टर में भी दिख नहीं रही। तो शायद देखना होगा ये किस तरह से ट्रांसलेट करेगी। लेकिन एक मैं फटाफट से वोट लेना चाहूंगी, इस पॉलिसी में रेट बढ़ेंगे या नहीं? जोशी जी, रेट नहीं बढ़ेंगे। जयेश जी, रेट नहीं कटेंगे। आई बेग योर पार्डन, रेट कट होगा या नहीं? नहीं लगता है। अदिति? नहीं। और जोशी जी ने ये कह दिया कि रेट नहीं कटेगा। अच्छा, जब कटेगा वो दिसंबर रहेगा और वो कितना कटेगा? जयेश जी आपकी क्या राय है? 25। जोशी जी? 25। अदिति? 25। चलिए तो 25 बेसिस पॉइंट, लेकिन इस पॉलिसी में नहीं, वो रेट कट आएगा तो वो दिसंबर में ही आएगा। चलिए देखते हैं फाइनली बुधवार को जब एमपीसी की तरफ से बयान आने लगते हैं, जब आरबीआई गवर्नर आकर अपना भाषण देते हैं, तो किन डेटा पॉइंट्स में बदलाव आते दिखाई देते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ सीएनबीसी आवाज पर हम सब आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।